शाओमी इंडिया के चीफ श्री मनु कुमार जैन ने जिस प्रकार से चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अभियान को जो पूरे देश भर में चल रहा है का मजाक उड़ाया है, देश के व्यापारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान है ये केवल मात्र सोशल मीडिया पर ही दिखाई देता है, जमीन पर इसका कोई असर नहीं है। हम को बताना चाहते हैं कि जिन शब्दों में ऐसे वक्त में जब पूरा भारत चीन को सबक सिखाने के लिए एकजुट है वो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके अपने चीनी आकाओं को खुश करने में लगे हैं उसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं, और आने वाला समय उनको ये बताएगा और उनके चीनी आकाओं को भी बताएगा कि भारत के व्यापारियों में और भारत के लोगों में कितनी ताकत है। और आज जिस कैंपेन को वो सोशल मीडिया का बता रहे हैं, कल वो कैंपेन जब जमीन के ऊपर उतर के सामने दिखाई देगा। दिवाली अभी दूर नहीं है, राखी जन्माष्टमी अभी दूर नहीं है, अभी आने वाले महीनों के अंदर उनको पता लग जाएगा कि जिस कैंपेन को वो सोशल मीडिया का कैंपेन बता रहे हैं वो कैंपेन जमीनी धरातल को उखड़ करके हिंदुस्तान की धरती से चाइना के उत्पादों को फेंकने के लिए सक्षम होगा। दूसरी तरफ हम फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और रवीना टंडन का बहुत बहुत आभार मानते हैं जिन्होंने खुल करके इस अभियान का समर्थन किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।